आइए जानते हैं कि चाय कब से अस्तित्व में आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो चाय पीने की शुरुआत चीन से हुई। ऐसा कहा जाता है कि चीन के राजा सैन नोंग के सामने गर्म पानी का प्याला रखा हुआ था, जिसमें गलती से चाय की कुछ सूखी पत्तियां गिर गई और पानी का रंग बदलकर हल्का लाल हो गया। राजा को बदले पानी का रंग पसंद आया, उसने पिया तो उसका स्वाद उसे काफी पसंद आया। तब से चाय पीने की शुरुआत हुई। पानी को छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक पिया जाने वाला जो पेय है वो चाय है। देखिए, और भारत में चाय का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार ब्रिटिश शासन काल में हुआ, और भारत का सबसे अधिक चाय उत्पादन असम और दार्जिलिंग में होता है, और असम का राष्ट्रीय पेय चाय है। देखिए, अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन से भी ज़्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है, और पूरी दुनिया में चाय का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है, और पूरी दुनिया में 1500 से ज़्यादा प्रकार के चाय पाए जाते हैं, लेकिन हरी, काली और सफ़ेद, पीली